नमस्कार मित्रों, मैं रमदीप खंडा आपका MKH वीडियो सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 6, जय प्रक्रम। क्या करेंगे? जय प्रक्रम। तो सर्वप्रथम बात है कि जय यानी कि जय प्रक्रम का मतलब जीवों में पाए जाने वाली विभिन्न क्रियाएं, जीवों में पाए जाने वाली क्या हैं? विभिन्न क्रियाएं हैं। विभिन्न क्या है? क्रियाएं हैं। अब मुझे बताइए, एक तो होता है जैव, एक होता है अजैव। कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके आधार पर हम जैव और अजैव को अलग अलग कर सकते हैं, सजीव और निर्जीव को अलग अलग कर सकते हैं? तो हमारे पास, हम कहते हैं सजीवों में पोषण होता है, सजीवों में गति होती है, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव जनन करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, और ये कुछ मेन प्रक्रियाएं हैं। सजीवों में गति होगी, सजीवों में वृद्धि होती है, जबकि अजैव यानी कि निर्जीवों में यह नहीं पाया जाता, जबकि निर्जीवों में यह नहीं पाया जाता। अब हमने यहाँ से एक एक को क्या करना है, पढ़ना है। पोषण क्या होता है, गति क्या होती है, श्वसन क्या होता है, जनन उत्सर्जन और वृद्धि क्या होती है। हमने एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ना है, और प्रत्येक जो टॉपिक है एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम बात आती है, ये जैव प्रक्रम है, मैंने आपको बताया, और ये जैव प्रक्रम के अंदर ये सारी की सारी अभिक्रिया या सॉरी सारी की सारी ये क्या होती है, क्रियाएं आती हैं। ये जितनी भी सारी प्रक्रियाएं जो मैंने लिखी हैं, ये आपस में एक दूसरे से क्या करती है, अटैच है, जुड़ी हुई है। ठीक है, इन्हें किस में रखते हैं, जैव प्रक्रम में रखते हैं। किस में रखते हैं? जैव प्रक्रम में, या जीवों के प्रक्रम में रखते हैं। सर्वप्रथम पोषण क्या है, किसे कहते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं इन सभी को एक दूसरे से। देखो, शरीर के अंदर हर एक प्रत्येक कार्य को करने के लिए, या फिर आप किसी मशीनरी को कार्य करने के लिए, ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, यह ऊर्जा हमें पोषण से मिलती है, भोजन से मिलती है। किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। तो भोजन के आधार पर या पोषण के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है स्वयंपोषी, एक होता है विषमपोषी। स्वयंपोषी का मतलब होता है वे जीव जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अपोषण, एक तो मैंने बताया ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये, और एक वृद्धि के लिए, वृद्धि और गति के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें पोषण से या भोजन से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, ये ऊर्जा या पोषण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से। तो भोजन के कौन कौन से अवयव हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है वसा। तीसरा है प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे, ये है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितने हैं? सात प्रकार के हम पोषक तत्व हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब किसी भोजन के अंदर ये पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त अनुपात में अनुपस्थित हों, उसे कहते हैं संतुलित भोजन। क्या कहते हैं उन्हें? संतुलित भोजन कहते हैं। अगर शरीर में इनमें से किसी की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो शरीर क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है, कुपोषित, यानी कि शरीर की फिर वृद्धि नहीं होती। और शरीर के वृद्धि कैसे होती है, प्रत्येक कोशिका अपने भागों के अंदर क्या होती है, बटेगी। हमारा शरीर
अरबों खरबों कोशिकाओं का एक समूह है। हमारा प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं या सॉरी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हमारा अंग एक अंग कार्य न करके बहुत सारी कोशिकाएं कार्य करती हैं। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर क्या एक फैक्ट्री नाम का कोई व्यक्ति होता है? नहीं, उसके अंदर बहुत सारे वर्कर होते हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं जो कार्य करती हैं। इसी प्रकार से हमारा शरीर या हमारा शरीर का कोई एक अंग कार्य न करके उसकी सभी कोशिकाएं क्या करती है? कार्य करती है। और हमारे शरीर के अंदर निरंतर कई कोशिकाएं क्या होती है? नहीं बनती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं मृत होती हैं यानी मर जाती हैं। और नई कोशिकाओं को बनाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। भोजन हमें क्या देता है? पोषण देता है, ऊर्जा देता है। भोजन से टूट फूट की क्या होती है? हमारे शरीर की मरम्मत होती है, ठीक है। और भोजन से शरीर की ऊर्जा क्या है? बनी रहती है। और अगर शरीर के अंदर खनिज लवणों की विटामिन की या प्रोटीन की कमी हो जाए तो भोजन क्या हमारा जो शरीर है लंबे समय तक अगर किसी की कमी रहे तो हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने पोषण ले लिया तो क्या हमें वहाँ से सीधी ऊर्जा मिल जाएगी? नहीं, वहाँ से सीधी ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें भोजन को तोड़ना पड़ेगा, हमें भोजन को तोड़ना पड़ेगा। अब भोजन है वो जटिल रूप में है, हमने खाना खाया, खाना एक जटिल रूप है, उसको हमने सिंपल रूप में बदलना है, ग्लूकोज में बदलना है। ग्लूकोज में बदलने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन का हमारे शरीर में आना या ग्लूकोज के साथ क्या जुड़ना? ऑक्सीजन का जुड़ना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? श्वसन करेंगे। क्या करेंगे? श्वसन करेंगे। जब हमने श्वसन किया तो ग्लूकोज से हमें क्या मिली? ऊर्जा मिली। ऊर्जा के साथ साथ कुछ क्या बने? अपशिष्ट पदार्थ बने या भोजन के पाचन के साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ बने जो कि नाइट्रोजनी वज्य हैं, उन्हें हम शरीर से क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, मतलब उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। और इसके साथ साथ यहाँ एक और होगी परिसंचरण की प्रक्रिया। परिसंचरण का मतलब होता है कि अब ग्लूकोज को या ऑक्सीजन को या फिर अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन लेके जाएगा? कुछ परिवहन के साधन भी तो होने चाहिए यहाँ पर। हाँ, हमारे शरीर में भी है, जिसे हम क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसे रक्त वाहिनियाँ कहेंगे। रक्त वाहिनियाँ क्या करती हैं? शरीर के अंदर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर पदार्थों को पहुँचाना है तो किसके द्वारा? रक्त वाहिनियों के द्वारा या नाड़ियों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। या हार्मोन इनके लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आपको इतना ही बात कंप्लीट समझ आई हुई होगी। यानी प्रत्येक तंत्र, हमारा जो शरीर है वो प्रत्येक तंत्र एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हमारा नियंत्रण किसके द्वारा होता है वो भी हमने करना है, वो हमारा मस्तिष्क का एक पूरा टॉपिक है, उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने ये देखना है कि हमें जनन हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पोषण किस प्रकार होता है, सजीवों में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, ठीक है। हेडिंग है पोषण, किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, विभिन्न क्रियाओं को क्या करने के लिए? संपन्न करने हेतु हमें किसकी आवश्यकता होती है? शाबाश, बताइए। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है, भोजन से मिलती है। और भोजन के अवयव मैंने अभी लिखाए थे सात: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और खाद्य रेशे। विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा भोजन से मिलती है। और टूट फूट की भी क्या करती है? मरम्मत करती है। और भोजन या पोषण के आधार पर कितने प्रकार के स्वयं पोषी और विषम पोषी?
सर्वप्रथम पढ़ेंगे स्वयंपोषी। स्वयंपोषी क्या होते हैं? वे जीव जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते, किसी दूसरे जीव पर भोजन हेतु क्या नहीं होते, आश्रित या निर्भर नहीं होते। निर्भर नहीं होते क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं। इनमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कुछ क्या होते हैं? प्लास्टिड होते हैं, जो उन्हें रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है क्लोरोफाइसी और एक होता है ल्यूकोफाइसी, या सॉरी इसे एक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट और एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक वर्णक जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल या हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। अब आपको पता लग गया होगा ये कहाँ पर है। पादप, पादप क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। पादप क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। इनमें इनकी इनमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, अब पादप भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? देखो, पादप की जो जड़ें होती है, ये कोई पादप है, इसकी जड़ें हैं और ये स्टेम तना है, ये पत्तियां हैं। हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन के द्वारा। पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। पौधे क्या कर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और जड़ों से जल को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया और दूसरा किसको ग्रहण किया? जल को ग्रहण किया, CO2 प्लस H2O, 6CO2 6H2O प्लस हरित लवक है। हरित लवक क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश को इकट्ठा करेगा। अरे भोजन ऐसे थोड़ी बन जाएगा, चूल्हा भी तो जगाएंगे, गर्म भी तो करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। तो यहीं पर सेम बात है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में हरित लवक क्या करता है? इसको ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें? ग्लूकोज में बदल देता है। और प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। क्या क्या बना इससे? एक तो वातावरणीय CO2 का क्या हुआ? उपयोग हो गया। दूसरा क्या बना? ग्लूकोज का निर्माण। तीसरा ऑक्सीजन का निर्माण किसके लिए? जीवों के श्वसन हेतु। जीवों के श्वसन हेतु क्या है? जीवों के श्वसन हेतु क्या बन गई? ऑक्सीजन बन गई। अब ये ऑक्सीजन को हम वापस से ग्रहण करेंगे और हम कौन सी गैस छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, जिससे वातावरण के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर पौधे वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करते तो क्या होता? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती। ठीक है, इतना टॉपिक आपको समझ आया, आशा करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपने आगे चलते हैं।
जी अब है, अब यहाँ पर ये ग्लूकोज बन तो गया, अब ये पहुँचेगा किसके द्वारा, पहुँचेगा किसके द्वारा, तो पादपों की जो तना होता है उसके अंदर जाइलम और फ्लोयम, जाइलम व फ्लोयम दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो प्रकार के उत्तक हैं। अब जो जाइलम होता है, जाइलम पादपों के अंदर जो जड़ होती है, जड़ से जल को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और फ्लोयम क्या करता है, पत्तियों के अंदर जो भोजन बना है उस पत्तियों के भोजन को फ्लोयम क्या करता है, पादप के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाता है। समझ आया बात, जाइलम का मतलब जल, फ्लोयम का मतलब फल, मतलब कि भोजन पदार्थ पत्तियों के अंदर बनेगा और पत्तियों से पादप काय के अंदर पहुंच जाएगा, जबकि जाइलम क्या करता है, जल को, जड़ों से जल को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये किसके अंदर पोषण है, पादपों के अंदर पोषण है। अब बात करें मनुष्य के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है, मनुष्य के अंदर पोषण, मानव पाचन तंत्र, हम क्या हैं, विषम पोषी हैं, हम क्या है, विषम पोषी हैं, अर्थात हम भोजन हेतु किस पर निर्भर करते हैं, हम भोजन हेतु दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, पूर्णतः नियंत्रित निर्भर रहते हैं। क्यों, क्योंकि हम, हमारे अंदर हरित लवक थोड़ी है कि हम भोजन बना लेंगे, हमें तो पादपों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विषम पोषी, जो कि दूसरे जीवों पर क्या रहें, आश्रित रहें। अब मानव के अंदर प्रक्रिया, सर्वप्रथम हम मानव पाचन तंत्र का एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये भाग होता है मुख, क्या होता है, मुख, और ये भाग होता है मुख गुहा, क्या है, ये मुख गुहा, ये भाग कहलाता है ग्रसनी, ये भाग कहलाता है ग्रसिका, क्या है, ग्रसिका, यह है अमाशय। अमाशय के बाद यह भाग कहलाता है लीवर या यकृत, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा अंग। यह पित्ताशय, क्या है, पित्ताशय। यह अग्नाशय,
ये वह गृहिणी बड़ी आंख छोटी आंख और क्या है मल्दवा। ठीक है, अब भोजन का जो पाचन है, भोजन का पाचन है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमने इसको क्या करना है? पाचित करना है। क्या करना है? पाचित करना है। यहाँ लिख लेता हूँ पाचन तंत्र। सर्वप्रथम पाचन का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है पाचन का? पाचन से तात्पर्य है कि जटिल को किसमें बदलना? सरल में बदलना। किसको बदलना? जटिल से सरल में बदलना। ठीक है, और जटिल से सरल में बदलने के लिए हमारे पास दो प्रकार के प्रक्रम हैं, एक तो भौतिक प्रक्रम और एक रासायनिक प्रक्रम। भौतिक प्रक्रम का मतलब है कि हम इसे किसी भारी चीज़ के सहायता से टुकड़ों में तोड़ेंगे। रासायनिक का मतलब क्या है कि हम उसकी जो केमिकल जो चेंज है वो करेंगे और उसको बिल्कुल उसे एक कण कण में तोड़ देंगे। ठीक है, जटिल का मतलब बड़ी को सिंपल के अंदर, बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने क्या है? पाचन है। दो प्रकार से भौतिक होता है और एक क्या होता है? रासायनिक पाचन होता है। तो सर्वप्रथम भौतिक पाचन के रूप में हमारे पास एक तो मुख गुहा है, मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाले दांत है। मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाले क्या हैं? दांत हैं, जो क्या करेंगे? भौतिक पाचन करेंगे। ठीक है, और रासायनिक पाचन हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के क्या हैं? एसिड या तेजाब हैं, जो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के एंजाइम हैं जो कि रासायनिक पाचन करेंगे। अब सबसे पहले मुख के बारे में पढ़ते हैं, मुख क्या होता है। मुख वह छिद्र जहाँ से भोजन को शरीर में क्या करवाया जाता है? प्रवेश करवाया जाता है, क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। उसके बाद है मुख गुहा। ये होठ है ना, दो ओष्ठ से घिरी हुई संरचना या वह छिद्र जहाँ से भोजन को शरीर में प्रवेश कराएंगे। उसके बाद क्या आएगा? मुख गुहा। क्या आएगा? मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है? भोजन मुख के बाद जिस एक गुफानुमा आकृति के अंदर प्रवेश करेगा, इसे क्या कहते हैं? मुख गुहा या बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मुख गुहा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? लार पाई जाती है, लार ग्रंथि, जीभ और चार प्रकार के दांत। चार प्रकार के क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं टालुइन। क्या कहते हैं? टालुइन या एमाइलेज। क्या कहते हैं इसको? एमाइलेज या टालुइन एंजाइम कहते हैं। और दांत कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के दांत हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कौन कौन से? कृतनक, रदनक, अगरचवर्णक और चवर्णक। अगर चवर्णक और चवर्णक, ये चार प्रकार के क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। थोड़ी सी लार के बारे में बात करते हैं। लार क्या होती है? लार के अंदर 90% तो क्या होता है? पानी होता है, और 10% क्या होता है? एंजाइम और श्लेष्मा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्लेष्मा पाई जाती है। और ये क्या काम करती है? श्लेष्मा या एंजाइम ये भोजन के साथ आए हुए कुछ हल्के बैक्टीरिया को मार देता है और भोजन के साथ मिक्स हो जाता है, भोजन को लसलसा बना देता है। क्या बना देता है? भोजन को लसलसा। और यहाँ पर चार प्रकार के दांत जो पाए जा रहे हैं,
ये कृंतक भोजन को काटने का काम करता है, भोजन को काटने का क्या करता है, काम करता है। आगे वाले जो दांत होते हैं, रंधनक भोजन को चीरना, अगर चवर्णक और चवर्णक का काम क्या होता है, भोजन को चबाना, क्या होता है, भोजन को चबाना। अब ये कृंतक कितने कितने पाए जाते हैं, ये चार ऊपर और चार नीचे पाए जाते हैं, रंधनक दो ऊपर दो नीचे, और अगर चवर्णक चार ऊपर चार नीचे, और चवर्णक भी इसी प्रकार से होते हैं, चार ऊपर और चार नीचे। ठीक है, समझ आई बात आपको, ये क्या है, भोजन को चबाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। सॉरी, ये छः छः पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, छः छः, क्यों पाए जाते हैं छः छः, तीन इस साइड हैं, तीन इस साइड हैं, तीन तीन छः, छः दो बारह, भोजन को चबाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, हाँ अब भाई आगे चलते हैं, ये पता लगा भोजन का यहाँ क्या होगा, भौतिक रूप से पाचन क्या होगा, भौतिक रूप से क्या होगा, पाचन होगा। यहाँ पर जीभ पाई जा रही है और जीभ के साइडों में लार ग्रंथि होती है, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, तीन प्रकार की क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। ठीक है, वहाँ से लार का श्रावण होता है और भोजन को हम चीर देते हैं, फाड़ देते हैं। ठीक है, मुख है, मुख के बाद मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि, लार ग्रंथि है और कितने प्रकार के, तीन प्रकार के लार ग्रंथि, जीभ पाए जा रहे हैं, चार प्रकार के दांत पाए जा रहे हैं। ठीक है, भोजन का काम क्या हो गया, चबाया गया भोजन को दांतों के द्वारा, उसमें लार मिक्स होगी, लार ने भोजन को लसलसा कर दिया, पचाने लायक कर दिया, ताकि हम उसको आसानी से निगल लें, नहीं तो वो भोजन निगला नहीं जाएगा। और स्टार्च का पाचन भी कुछ कहाँ, एमाइलेज के द्वारा के कर दिया जाता है। और इस भोजन को जो मुख के अंदर भोजन बना है, मुख गुहा के अंदर के भोजन की जो अवस्था को बोलस कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद अपने एक अंग और कर लेते हैं, ग्रसिका, कौन सी है, ग्रसिका, हाँ सॉरी, उससे पहले ग्रसनी है, ग्रसनी क्या है, देखिए ग्रसनी, देखो यहाँ से हम सांस लेते हैं, यहाँ से भोजन जा रहा है मुख से, ये दोनों भाग पीछे एक कटोरे नुमा, एक जैसे कीप नुमा आकृति होती है, यानी कि दोनों भाग आएंगे, दो पाइपें आएंगी इधर से, और ये दोनों पाइपें एक बड़ी पाइप के अंदर क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, एक बड़ी पाइप के अंदर क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ कीपनुमा आकृति होती है, क्या होती है, कीपनुमा आकृति, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रसनी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। यहाँ पर नासिका व मुख गुहा दोनों खुलती है, मुख गुहा और नासिका कहाँ, पीछे की तरफ खुलते हैं, किसके अंदर, ये देखो इधर यहाँ से नासिका है और ये जो भाग है ये तो नासिका है और ये क्या है, मुख गुहा है। ठीक है, थोड़ा मुख गुहा के अंदर एक अपना थोड़ा सा भाग रहेगा बताने वाला, मैं आपको बता देता हूँ, मुख गुहा के अंदर इसको एक बार अपने रखते हैं। मुख गुहा की जो संरचना के अंदर दो जबड़े होते हैं, कितने जबड़े होते हैं, दो जबड़े होते हैं, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो स्थिर होता है और क्या होता है, कठोर होता है, स्थिर होता है और क्या होता है, कठोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, तालु,
और जबकि नीचे वाला जो भाग होता है वो अस्थिर, यानी कि वो ही हिलता है। हम जब बोलते हैं या फिर भोजन को चबाते हैं, सिर्फ नीचे वाली जो हड्डी है वही हिलती है। जो ऊपर वाला भाग मैक्सिला कहलाता है और नीचे वाला मैंडिबल, नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, मैंडिबल कहलाता है। और ये क्या होता है, कोमल होता है। ठीक है, अब देखिए जो ये जो तालु है यहाँ पे, ये तालु इस नासिका और मुख गुहा को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये कठोर प्लेट है। ठीक है, समझ आया बात आपको। और जो मसूड़े होते हैं वो, और जो दांत होते हैं, दांत किसके अंदर लगे होते हैं, मसूड़े के अंदर लगे होते हैं। इस विशेषता को कहते हैं गर्त दंती। क्या कहते हैं, गर्त दंती। दांत मसूड़ों के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं, इस विशेषता को कहते हैं गर्त दंती। और दांत मनुष्य में दो बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, दो बार आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विबार दंती। क्या कहते हैं इसे, द्विबार दंती कहते हैं। और एक और है विषम दंती। क्या है, विषम दंती। विषम दंती का मतलब सभी क्या है, अलग अलग हैं। मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले सभी दांत क्या है, संरचना में अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विषम दंती कहते हैं। दो बार आते हैं द्विबार दंती कहते हैं। और मसूड़ों की नामक संरचना के अंदर, मांस की एक कठोर संरचना के अंदर दांत धसे हुए पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गर्त दंती कहते हैं। यह है मुख गुहा के कुछ अपना टॉपिक रह गया था। अब ग्रसनी में बता रहा था, पीछे की तरफ कीपनुमा आकृति खुलती है जो कि नासिका और मुख गुहा जिसके अंदर दोनों कंबाइन आके खुलती है, उसे क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्या कह रहे हैं उसे, अपने उसे अपने ग्रसनी कह रहे हैं। ठीक है, और जो ये ग्रसनी है, ग्रसनी के अंदर एक ढक्कन लगा होता है। ठीक है, इधर तो है आगे की तरफ श्वास नली और पीछे की तरफ क्या है, भोजन नली। समझिए, सांस इधर से इधर आएगा, भोजन इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, क्रॉस होगा। क्या होगा, क्रॉस होगा। तो इस स्थिति के लिए क्या होगा, जब अपने भोजन को निकलेंगे तो जीभ पीछे की ओर जाएगी और इधर एक ढक्कन होता है वो श्वास नली पर लग जाएगा। यानी कि भोजन को निकलते समय श्वास क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है मित्रों, आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे ग्रसनी तक, और अगली वीडियो के अंदर हम पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे और उनका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।